यमुनानगर के रामपुरा में आज एक चोर उस वक्त लोगों के हत्थे चढ़ गया जब वह एक इलेक्ट्रिक वर्क्स की दुकान पर बाहर पड़ी मोटर को चुराकर भाग रहा था। दुकान मालिक की नज़र उस पर पड़ी तो उसने शोर मचाया, लोग इकट्ठा हुए और चोर को पकड़ लिया। लोगों ने यहां पर चोरों की जमकर दुनाई भी की। ये सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि ये चोर मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए दुकान के बाहर पड़ी मोटर को उठाकर भाग रहा था। इतने में दुकानदार की नज़र इस पर पड़ी और शोर मचाने के बाद उसे पकड़ लिया। लोगों ने खंभे के साथ इस चोर को बांधकर डायल 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस चोर को अपने साथ ले गई। पहले 8-10 दिन पहला एक एग्जॉस्ट फैन सीगा जिसना ए मोटर पे ने खुली ए मोटर है जी सी वो बाहर चुकी गई। फिर 2-3 दिन निकले नहीं इतने बाहर मोटर पे सी एक सीवरेज पंप सीगा सरकारी ओदी मोटर चुकी गई। एक मोनोब्लॉक सी सुभाग्य वालों का इतने पौड़ियों के उत्ते पई सी मोटर काफ़ी वो चुकी गई। इतने मैं कैमरा चलाया सी ना कैमरा इतने बैठा मैं इतने देखता पाया सीगा जो मैं देखा उस दिन फिर मूँह के कपड़ा लपेटिया उन्हें मैं भजया भज के फटा रोला पाया जाकर परे फटिया मोटर उन्हें परे गली को छड़ दी। फिर थोड़ा बहुत मारते ही है कहते जो आदमी गुस्सा फिर फटिया हो जिन्हें पहले हुई चोरी हुई है। पहले दो मोटर एक 3 आस पास मोटर थी एक 2 आस पास मोटर एक एग्जॉस्ट फैन दो पखे हुए चोरी पुलिस लग गई है। जी हमारे पास तो कॉल गई है 112 से और इन्होंने बताया भी गुरविंदर सिंह है कोई विक्टिम इन्होंने कॉल किया तो मौके पर आए चोर पकड़ा हुआ था ने चोर को देखा पकड़ा है और पीपी रामपुरा के हैंडओवर करें कोई मोटर थी इसके पास अभी जस्ट हमारे पास 10 मिनट पहले कॉल आई। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।